नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिश्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कई बार सवाल होता है कि अपने हाथ के उंगलियों में कौन सा हम रत्न डालें, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये विषय अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य लाइनें देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा, जीवन रेखा के साथ ही चलती हुई हमारी ये मस्तिष्क रेखा, और इसी के साथ हमारी हृदय रेखा। ये तीन प्रमुख लाइनें होती है। तकरीबन सभी के हाथ में ये रेखाएं मिलती है। अब सवाल यह है कि कौन से हाथ की उंगलियों में डाले, लेकिन इस चीज का एक और फिक्स है कि अगर लड़के हैं तो अपने दाहिने हाथ की फिंगर में इयररिंग्स या रतन धारण करें, और अगर स्त्री है तो अपने बाएं हाथ के फिंगर में ये रतन को धारण करें। जैसे कि हम जानते हैं ये रतन डालने से हमारे पावर को बढ़ा देता है और इनमें अजीब सी शक्तियां होती हैं, आपके माइंड को प्रेस करता है। सबसे पहले जैसे अगर हम उंगलियों को देखें तो ये कौन कौन सी फिंगर है, ये हमारी बुद्ध की फिंगर है, इसको हम बुद्ध की फिंगर बोलते हैं। ये सूर्य की फिंगर है, ये शनि की है, और ये गुरु की है, ये मंगल का पर्वत है, ये चंद्रमा का पर्वत है, और ये शुक्र का, ये राहु है, राहु का पर्वत, और ये केतु का पर्वत है। अभी जैसे मैंने बोला कि आपको इस हस्तरेखा के माध्यम से कि लड़कों का हमेशा राइट ही बताता है उसके अच्छे कर्मों के लिए, उसी प्रकार से लड़कियों को अपना बाएं हाथ बताता है। अब हम बुध की फिंगर में कौन सा रतन डालें। बुध जैसे आप जानते हैं कि बहुत एक बोलने की कला सिखाता है, बिजनेस की बातें करता है, ऐसे लोग बोलने में एक्टिव होते हैं, बड़ी बड़ी बातें आसान कर ले जाते हैं। और ये बुध का जो रतन है वो पन्ना है, पन्ना इस बुध की फिंगर में ही डालनी चाहिए। ये पन्ना है, पन्ना हमेशा आपको चांदी में डालकर पहनना चाहिए, और पन्ना के साथ ये चंद्रमा है, चंद्रमा भी इसी बुध के फिंगर में डालना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से हम बहुत चीजें देखते हैं, बाहर की विदेश यात्राएं भी देखते हैं, अपने मन की स्थिति को देखते हैं। अगर हमारा मन कंट्रोल में है तो ये सारी चीज हम अच्छे रूप से प्राप्त कर लेंगे, अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और इसको भी बुध के फिंगर में डालेंगे, मोती, मोती, मोती भी हमेशा जो होती है वो चांदी में ही डाला जाता है। इसी प्रकार से जो सूर्य के फिंगर में हम डालते हैं वो रतन है, सूर्य के फिंगर में माणिक, माणिक डालते हैं, माणिक, और इसको हम माणिक को हम सोने में भी डाल सकते हैं और पीतल में डाल सकते हैं, पंच धातु में भी डाल सकते हैं, क्योंकि सूर्य का काम है पराक्रम देना, मान सम्मान की बात करना, उसके गुणों में वृद्धि देना। और इसी प्रकार से सूर्य का जो दोस्त है, हम दोस्त कह सकते हैं, ये मंगल है, मंगल को भी हम इसी सूर्य की फिंगर में ही डालते हैं, जिसको कि मूंगा बोलते हैं। हम आपके पराक्रम को, आपके साहस को बढ़ा के रख देता है।
और इसी प्रकार से शनि, शनि का जो रतन होता है वो नीलम होता है। नीलम हमेशा पंच धातु में या पीतल में धारण किया जाता है। और इसी प्रकार से ये शुक्र का जो फ्रेंड है शनि को मानता है, तो इसको भी आप ओपल होता है इसका रतन, शुक्र का ओपल। शुक्र जो होता है हमारे वैवाहिक जीवन के बारे में, हमारी लग्जरियस के लाइफ में, इन सारी चीजों की क्वालिटियों को बढ़ाता है। तो ओपल डालने से इन चीजों में वृद्धि हो जाती है। और इसके साथ ये हमारी गुरु की फिंगर है, और गुरु की फिंगर में हमेशा पुखराज डाला जाता है। इसका जो रतन होता है वो पुखराज होता है। पुखराज, पुखराज हमेशा सोने में डाला जाता है। इसको हम सोने में डालते हैं। जैसे कि हम पुखराज से क्या क्या चीज देखते हैं, संतान की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में खुशियां देखते हैं, और धन संपदा की बात होती है तो देखते हैं, मान सम्मान की बात होती है तो देखते हैं। इन रत्नों को डालकर अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं, इनके गुणों को बढ़ जाता है। और ये अच्छी क्वालिटियां अगर आपके लाइफ में आ जाती है और अच्छे आपके आचरण में बदलाव आ जाता है, तो अगर आपकी कमी है तो इन रत्नों को डालकर आप उनके पावर को बढ़ा सकते हैं और आपके जीवन में खुशियां अवश्य आती हैं। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।